हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये जो है इंडक्शन है फिलिप्स का। तो इसका प्रॉब्लम जो है मैं दिखा देता हूं आपको लाइन में लगा करके। देख सकते हैं करंट आ चुका है। इसको सेंस कराने के लिए ये रख देते हैं, ठीक है। जो है इसको ऑन करते हैं और कोई भी एक, चलिए इसको दबा देते हैं। थोड़ी देर देखिए, E9 का फॉल्ट कोड आ रहा है, ठीक है E9। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इसको खोल लेते हैं पहले, इसको पहले से ही हमने खोल के रखे हैं, देख सकते हैं इसको खोल कर रखे हैं। देख सकते हैं इसको खोल कर रखे हैं हम। तो इसका प्रॉब्लम जो है आज चेक करेंगे। इसमें फिलिप्स में जो है ये सेंसर जो है दो आता है, एक तो फ्यूज है और एक थर्मोस्टेट है। देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो फ्यूज हो गया, ठीक है, और ये थर्मोस्टेट हो गया। तो जो E9 का फॉल्ट कोड आता है वो सप्लाई की वजह से या तो फिर इसकी वजह से। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं वाइपस करके, क्योंकि फ्यूज तो हमारे पास नहीं है। पहले इसको वाइपस करेंगे, ठीक है। वाइपस कहाँ से करते हैं आपको दिखा दे रहे हैं आपको। पहले हम लाइन से डिस्कनेक्ट करते हैं। जब भी इंडक्शन को चेक कीजिएगा सीरीज करंट से चेक कीजिएगा, नहीं तो अगर शॉर्ट फॉर IGBT कई बार क्या होता है शॉर्ट रहता है, ठीक है, और शॉर्ट होने का खतरा रहता है, ठीक है। तो जब भी चेक कीजिएगा सीरीज करंट में चेक कीजिएगा। को दिखा रहे हैं, ये जो है ये फ्यूज का सॉकेट है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को जो है शॉर्ट करना होगा, ठीक है। शॉर्ट करने से क्या होता है, ये बाईपास हो जाता है। तो चलिए इसको जो है बाईपास करके देखते हैं, अगर प्रॉब्लम ठीक हुआ तो सही है, अगर नहीं होते हैं तो फिर चेक करेंगे दूसरा आगे। जो ये IGBT से जो रिलेटेड जो फॉल्ट होता है उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको जो है खोल लेते हैं, बाईपास कर लेते हैं। बाईपास करने के बाद आपको दिखा रहे हैं कैसे करते हैं, वो दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। देख सकते हैं हमने जो है कैमरे को सेटिंग कर लिए हैं, ठीक है। अब जो है इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। शॉर्ट करने के बाद इसको चेक करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपस में मिला लेते हैं इसको, ठीक है। इसको शॉर्ट करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। चलिए अब जो है इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। देख सकते हैं हमने जो है इसको सोल्डरिंग कर लिए हैं, ठीक है। अब जो है इसको चेक करते हैं सोल्डरिंग अच्छे से हुआ है कि नहीं। अच्छे से हो गया है, देख सकते हैं। सोल्डरिंग कर लिए हैं इसको। चलिए अब जो है इसको फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने के बाद आपको दिखा रहे हैं वो है कि नहीं। ठीक है, आपके सामने ही फिटिंग कर रहे हैं इसको। ये जो है थर्मोस्टेट का कनेक्टर है, इसको लगा लेते हैं, ठीक है। अब कॉइल को यहाँ पर रख देते हैं। ये जो कनेक्टर है इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूज को हमने शॉर्ट कर दिए हैं। अब इसको चेक करते हैं ऐसे ही लगा करके। देख सकते हैं अब जो है इसको
फिर से सीरीज में कनेक्ट करते हैं। वीडियो एक हाथ से बनानी पड़ रही है, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है एक हाथ में, पर एक हाथ में काम कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब जो इसको रख दिए हैं, अब ऑन करते हैं, देख सकते हैं ये सेंस कर रहा है, ठीक है, देख सकते हैं लाइट जो है ग्लो कर रहा है। चलिए अब जो है इसको डायरेक्ट दे करके इसको ऑन करते हैं, देख सकते हैं धुआं उड़ रहा है, ये बिल्कुल ही सही हो चुका है, बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तो चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।